5 राज्य में हुए चुनाव का परिणाम अब लगभग आ चुका है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनना तय है। वहीं तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव अपनी बादशाहत को कायम रखे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता को कांग्रेस ने उखाड़ फेंका है और अपना झंडा विधानसभा में लहरा दिया है। उसके बाद से ही बीजेपी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। कोई संगठन की कमी बता रहा है तो कुछ राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण नोटा रहा है। विश्लेषकों की माने तो जितना अंतर कांग्रेस और बीजेपी के वोटों का है, उससे ज्यादा वोट नोटा को मिला है। इस हिसाब से ये बात कही जा सकती है कि बीजेपी की हार कांग्रेस से नहीं, नोटा से हुई है। जो भी हो, चुनाव का विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फौरी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की हार नोटा की वजह से हुई है।